तो डील हमें कश्मीर ने भी देनी चाहिए जैसे भारत के अन्य राज्यों में या यूट्यूब में दी गई है, वैसे हम भी चाहते हैं। या जैसे जम्मू में 10 दिन पहले वो डील दी गई थी, बिल्कुल सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा गया था वहाँ पर, वैसे ही हमारे श्रीनगर या कश्मीर में भी होना चाहिए ताकि हम भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारें। क्योंकि हम इससे पहले भी हमारी इकोनॉमी बहुत डाउन हो चुकी है, क्योंकि हम अगस्त से ये लॉकडाउन और क्लैम्प डाउन देखते आ रहे हैं, चाहे वो किसी तरह की भी बैन हो हम कंटिन्यू वो देखते आ रहे हैं। हमारी यही मौतबाना अपील रहेगी कि यहाँ पर भी एक डील दी जाए ताकि हम भी वैसे ही अपनी लाइफ गुजारें। और हम लोगों से भी यही कहते हैं कि अब हमें इस सोशल डिस्टेंसिंग और फिज़िकल डिस्टेंसिंग और ये बाकी मास्क या शॉर्ट में हम कह सकते हैं, हमें अब इसके साथ जीना चाहिए, सीखना चाहिए कैसे हमें इस कोविड-19 के लॉकडाउन में जीना है। ये अब हमें सीखना है, हमें अपने आप का ख्याल रखना है, क्योंकि सरकार हमारे लिए फ्रंट फुट पे काम कर रही है। शुक्रिया। देखिए, अगर हम कश्मीर की बात करेंगे तो लॉकडाउन का असर तो हमने नेशनल वाइड देखा, लेकिन उसमें साथ साथ हमने देखा कि कश्मीर में बहुत सारे ऐसे नंबर्स जो है राइज हो रहे हैं। तो उससे मुझे लगता है कि यहाँ पर इसलिए डील नहीं दी गई एज़ कम्पेयर टू द अदर स्टेट्स, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस जो है ज़्यादा राइज हो रहे हैं। तो मे बी वो रीज़न हो सकता है कि उन्होंने लॉकडाउन जो है यहाँ पर डील नहीं दी है। लेकिन गवर्नमेंट का ये कहना है कि अब आने वाले दिनों में जो है धीरे धीरे जो है लॉकडाउन को उठाया जाएगा, यानी कि कोविड-19 और लॉकडाउन के साथ में हमें काम करना होगा। ये वो अभी सिचुएशन बनी हुई है जहाँ पर अब लोगों को प्रिकॉशंस एंड प्रिवेंशंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि अभी जो है लॉकडाउन का असर तो हमने देखा कि लॉकडाउन हर एक जगह पूरी तरह से कायम किया गया और स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया गया। लेकिन उसके साथ साथ में जहां पर इकोनॉमी की बात आती है, इकोनॉमी को मद्देनजर रखकर यहां पर लोगों को भी अब उसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी तो शटर्ड है ऑलरेडी पूरे कंट्री में, उसके साथ साथ में कश्मीर में।